हैं यहाँ पे अभी क्या हो गया है ना, हराध्या और सिंपी में लड़ाई हो गई है, ठीक है। ये चीज भी ये क्योंकि यहाँ पे अभी ना थोड़ा सा लड़ाई चल रहा है। अनिशा, और मैं वीडियो बंद कर दूंगी। बंद अनिशा, अभी तुम बोलो कुछ। मैं मत बात कर, मत बनाओ मेरा वीडियो। और गाइस, मम्मा एकदम गुस्सा आ गई है। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिम्बा ब्लॉग्स। कैसे हैं सब लोग? तो आज हम लोग जा, हम आज हमारा पीई है। गाइस, आज मैं कैंटीन लेके जा रही हूं। आज का कैंटीन का फर्स्ट डे है चुटकी का, डैडी का। और यहाँ पे डैडी हैं, और यहाँ पे डैडी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, स्पेशल बर्गर। तो डैडी बताएंगे बर्गर कैसा बना है। अच्छा बना, अच्छा बना है। किससे टेस्टी लगा? आज मैंने नाश्ते में बर्गर बनाया है। और टिफिन मम्मी ने नाश्ते में तो बर्गर बना दिया, और टिफिन में आलू के परोठे। नायसा आज बहुत खुश है क्योंकि वो जा रही है आज कैंटीन। फर्स्ट टाइम कैंटीन, इसीलिए जल्दी उठी। हाँ, इसलिए आज ये बहुत जल्द आराधा से पहले ही उठी। ये एक्साइटमेंट थी डैडी, एक्साइटमेंट। हाँ, एक्साइटमेंट थी कैंटीन जाने की। इधर देखो, एक्साइटेड। ओके, ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्बा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, आज है थर्सडे और अभी मैं नहा आ चुकी हूँ। बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं, और देखिए पूजा वूजा हो गया है, ये पूजा पाठ हो चुका है, और मेरा ब्लॉगिंग भी स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे ये चुटकी भी है, इतनी क्यूट है ये। बड़ी हो गई धीरे धीरे, बहुत प्यारी है ये। दस दिन में मुझे लगता है बड़ी भी हो गई। इनके बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। और अब किचन का काम स्टार्ट करना है, खाना बनाना है, और टाइम 11 बज चुका है। ये सब करने में 11 बज गया है, और अभी आगे का काम बाकी है, मतलब बस कुकिंग बाकी है। तो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी और कुकिंग स्टार्ट करती हूँ, फिर थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर चलती हूँ। मतलब सबसे बड़ा टेंशन यही रहता है कि खाना मैं बनाऊँ क्या, देखते हैं क्या बनेगा। A few moments later. So guys, शाम हो चुकी है, और यहाँ पे आराध्या बैठी हैं, और इनका टेस्ट जो है वो फिनिश हो चुका है। तो फाइनली अब एक हफ्ते के बाद सुकून मिला है, फिर एक महीने बाद फिर से एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी तो टाइम है ना फिलहाल उसमें, एक महीना। पर फिलहाल ये एक हफ्ते वाला तो हो गया है अभी। आज थर्सडे है और आज ख़त्म भी हो गया, तो आज मेरे को भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तुमको कैसा लग रहा है आराध्या? ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया। और अनायसा अभी अंदर सो रही है, टाइम यहाँ पे 6 बजने वाला है। आ, 6 बजने वाला, सो सो। तो अभी डैडी नहीं आया, हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं तो वेट कर रही हूँ, ऐसे कब उठाई, मैंने उसके लिए पूरी दोपहर में कुछ बनाया है। तो हम लोग भी अभी वेट कर रहे हैं ना डैडी का, कि डैडी आए। फिर हम लोग ना आज वीकेंड है, कल फ्राइडे छुट्टी रहेगा, तो हमने सोचा है कि आज डैडी को बोलते हैं कि हम लोग को बाहर लेके चलो थोड़ा। अब कल हम लोग बस पे चलाने वाले, राइट मम्मी? नहीं ना, या तो फिर। और गाइस, हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो गरबा से रिलेटेड ब्लॉग आएगा, गरबा से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग फ्राइडे को जाएंगे गरबा खेलने। क्या बोलते हैं गरबा खेलने? डांडिया। तो जाएंगे तो उससे रिलेटेड ब्लॉग मिलेगा आपको, अच्छा ब्लॉग रहेगा। मतलब हम लोग डैडी का वेट कर रहे हैं कि
कि डैडी आ जाए जल्दी से, तो हम लोग को बोले उनको कि उन लोग को बाहर लेके चले, बच्चों का टेस्ट खत्म हो गया तो देखते हैं डैडी का क्या रहता है सीन। डैडी थोड़ा लेट, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। सो गाइस डैडी आ गए हैं घर। फोन को सुनाई, डैडी को सुनाई कम देता है ऑफिस से आने के बाद। उठा दो उसको, उठा दो लड्डू, लड्डू उठो, लड्डू उठ जाओ मेरे लड्डू। मैंने कुछ बनाया है, मैं देने जा रही हूँ किसी और को, जल्दी से आकर ले लो राइशा। मैडम प्लीज प्रोसीड, प्लीज वेगा, मैंने तुम्हारे कुछ बनाया है। उठ जाओ, उठ जाओ, आप लग रहा है यहीं पे लाना पड़ेगा मेरे को, ले प्लीज होल्ड इट। क्या है चाहिए तो उठिए, उठना पड़ेगा। उठना पड़ेगा, उठो। ये उठ चुकी हैं कि इनको कुछ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लालची लड़की है। अच्छे से खोला भी पेशेंस। ओपन इट। व्हाट इज दिस बॉक्स के अंदर बॉक्स? बॉक्स के अंदर बॉक्स। ओके ओके, अनदर बॉक्स अगेन। इधर इधर इधर, छोटा सा बॉक्स। And different box. Box. Box के अंदर box. Again box. So guys again एक box. इससे भी हो सकता है कि कुछ हो भी नहीं सकता। Not again. And इसके बाद नहीं। Oh wow bracelet. Pink color bracelet. Pink color bracelet दीदी ने बनाया है। Made by दीदी। Oh wow बहुत सुंदर है ये राधा। तो गाइस देखिए कितना प्यारा आराध्या ने ये ब्रेसलेट बनाया है नाशा के लिए। कैसा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाशा तुमको कैसा लगा, पहन के दिखाओ। आराम से पहनना। वाओ इसको ऐसे ही नीचे रहेगा। नाइस, देखो टंग रहा है। टंग रहा है, टंग रहा है। देखो टंग रहा है। जब से नाशा आराध्या इंडिया से आई है ना, ऐसे ऐसी बातें बोलती है, क्या ही बताऊं मैं। पाड़ू हिंदी, पाड़ू हिंदी, पाड़ू, पाड़ू हिंदी, पाड़ू। अच्छा पाड़ू हिंदी है, पाड़ू हिंदी। हम वो मेजरमेंट लेने आए थे कि सही है कि नहीं। सो गाइस अभी चलते हैं, डैडी को कन्विंस करते हैं और उनको बोलते हैं कि डैडी प्लीज लेट्स गो आउटसाइड ना। सो गाइस फाइनली डैडी कन्विंस हो चुके हैं और हम लोगों को लेकर जा रहे हैं बाहर। और मेरा एक भी रुपया ये लोग बचाने नहीं देगा। अरे यार ऐसे बोलो, नो सेविंग। कमाते कमाते उड़ाने के लिए तो सेविंग करके क्या करोगे राध्या। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं। कहाँ जाने जाना, कहाँ है? पेप्सी पार्क जाना है। और कहाँ जाना? पार्क। पार्क कौन जाएगा गर्मी में? तुम लोग शूज पहन रही हो? मैं ही नहीं पहनी हुई यार, मैं भूल जाती हूँ। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं। हो गया? हाँ मैं आगे भूल गई। क्या भूल रही तुम? डेली भूल जाती बेटा। ये फोटो ले लो, बच्चे डैडी ने उठा लो। यहाँ राधे और अनाइश डैडी। वाह नाइशा को गोदी जाना ना मतलब बहुत ज्यादा पसंद है ना नाइशा। बैठी है डैडी नाइसा का अलग ही प्यार है भाई। चलो
सो गाइस बाहर ना बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ए वो है अपनी कार, मुझे लगा बाहर पार्क है। ये है ना मेरे पास। अच्छा जल्दी दबाओ यार, क्या कर रही है। मैं भूल गई। गाइस ये देखो दादी ने मुझे कोका कोला गिफ्ट दिया है। कोका कोला अरवा का, अरवा का कोका कोला। दिस इज नॉट कोका कोला, छोटी बोतल। छोटी मैं हूँ पर ये हमसे भी छोटा है। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अदलिया मुंबई स्पाइसेस रेस्टोरेंट, जहाँ पे डैडी जहाँ पे आराध्या अनायसा का फरमाइश है। और आज डैडी जानते हो अनायसा ने ना अपने दोस्तों को उल्लू बना दिया। कैसे बताओ अनायसा? मैंने 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 बोल दिया था मुझे लॉलीपॉप चाहिए। मैं बोली मैं तो मेरे मेरे फादर हम जानते हैं तुम्हारे होम और मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने आज ये कैंटीन गई थी और तुमने रास्ते में जाते हुए भी लॉलीपॉप दिला दिया था, तो फ्रेंड्स इनके मांगने लगे मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो ये क्या करें, तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया, बोला कि अरे को ऐसे नहीं देंगे हम स्कूल में, हम तुम्हारे घर आएंगे ना तब हम तुमको देंगे। अच्छा घर आ कह रही है हम तो उसको घर जाएंगे नहीं। तो हमें अपना लॉलीपॉप देना नहीं पड़ेगा। चिप्स लेके आई हूँ। हाँ चिप्स भी घर लेके आई थी और लॉलीपॉप भी घर लेके आई थी। आराध्या को शेयर किया होगा। ऑफ कोर्स करेगी, ये अनायसा की आदत है देखो। सो गाइस अभी चलते हैं मुंबई स्पाइसेस, चलते हैं मुंबई स्पाइसेस और करते हैं भोजन। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी क्या हो गया है ना, आराध्या और सिंपी में लड़ाई हो गई है। ठीक है ये चीज भी वीडियो में शूट करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे अभी ना थोड़ा सा लड़ाई चल रहा है। तो चलो ठीक है अभी लड़ो तुम लोग। आराध्या को गाना सुनना है, इनको वीडियो बनाना है, तो सब लोगों का। और हम लोग कभी भी घर से बाहर जाते हैं ना तो जो मैं पर्सनल है मैं आपको बता रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ लड़ाई होता ही है। कोई करता कौन कभी अनायसा आराध्या की कहीं करता कौन है? तू नहीं तो करते हो। मैं तो कुछ नहीं देखता फ्रेंड्स। ठीक है मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी तुम लोग को नोटंकी करना रहता है हमेशा, तुम लोग का है ये चीज। तो अनायसा मैं वीडियो बंद कर दूंगी। अनायसा अभी तुम बोलो कुछ, मैं मत बात कर, मत बनाओ मेरा वीडियो। और गाइस मम्मा एकदम गुस्सा आ गई है, बहुत खराब है। शांति बनाओ तुम। सो गाइस हम लोग अदलिया पहुंच चुके हैं। और अदलिया पहुंच चुकी हो? और क्या है, अदलिया ही तो है ये। अच्छा अदलिया, हम तो पहली बार देख रहे हैं। अदलिया ही तो है ये, अदलिया है। और नहीं आप कहाँ रहती हैं? तुमको नहीं पता है गांव कहाँ पड़ी? प्रतापगढ़। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अदलिया और हमने कार पार्क कर दिया और अब हम जा रहे हैं मुंबई स्पाइसेस रेस्टोरेंट। और हमारे बच्चे हमारे पति ने हमारा सारा मूड ना खराब कर दिया है। वाओ वेरी नाइस, डिस्कवर फ्लावर ब्लिस ओनली फॉर यू, 200 फिल्स पर रोज यहाँ पे मिलता है। ये है वो शॉप जहाँ पे 200 फिल्स के एक रोज मिलता है। अंदर आ चुके हैं, यहाँ बैठे हैं, डैडी आराध्या इधर बैठे हैं। हाँ लाइट अच्छा है। सो गाइस ये है मुंबई स्पाइसेस का फेमस समोसा, मीठी चटनी, तीखी चटनी एंड पुदीना चटनी के साथ हम ऐसा करेंगे इंजॉय। सो गाइस ये सब ऑर्डर हुआ है आज। लोग खाना वाना खा चुके हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये अदलिया है, ये एरिया अच्छा लगता है थोड़ा। तो फ्रेंड्स अब मुंबई स्पाइसेस का जो टेस्ट, पहले तो हम लोग तो बहुत टाइम के बाद आए रेस्टोरेंट में खाने के लिए, यहाँ का टेस्ट में जो पहले जो बात थी वो नहीं है अभी कुक, और मुझे लगता है मैनेजमेंट चेंज हो गया है, टेस्ट अभी पहले जैसा नहीं रहा।
जैसे मुंबई स्पाइसेस नाम है ना, वैसा अभी फूड नहीं है। अभी अच्छा नहीं लगा हम लोग को, पहले अच्छा था लेकिन अब वो मज़ा नहीं है। मतलब मुझे लगता है इनके सेफ चेंज हो गए हैं, मैनेजमेंट भी चेंज हो गया है, प्राइस भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो मतलब मज़ा नहीं आया, खाने में भी मज़ा नहीं आया। मेन कैसा है कि अगर आपको खाना अच्छा लग जाता है तो फिर लगता है कि चलो खाना टेस्टी था, मज़ा आया, फिर पैसा मैटर नहीं करता। लेकिन इनका ना खाने का भी वो टेस्ट नहीं था जो पहले था। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने कार की तरफ। गाइस अभी हम लोग आ गए अपने कार के पास और आधा ऐसा बैठ भी रही है यहाँ पे। तुम भी बैठ जाओ, क्या हो गया? उसको बिठा कर तुम भूल गई बैठना। वाह बेटा, दे दो ना ऐसा पानी डैडी को। अब तो पिए नहीं है यार। अब से पानी दो। गाइस हम लोग घर आ गए हैं।